हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव, डायरेक्टर श्वेता शिल्पकला केंद्र। हमारे यहाँ लक में मेकअप आर्टिस्ट वर्कशॉप चल रहा है, जिसको कंडक्ट मास्टर सौरभ कर रहे हैं, जो दिल्ली से आए हुए हैं। ये 15 दिवसीय कोर्स है, निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल 500 रुपये है। आज का हमारा थीम था सेटल मेकअप नो मेकअप, सेटल मेकअप नो मेकअप। आप ध्यान दें, इसमें हमारा स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन यूज हुआ है, ठीक है। और नो मेकअप में आपका ये ब्रश से कंट्रास्ट हमने आई मेकअप किया है। कौन से किसके अंतर्गत ये हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। और चूंकि दिन का मेकअप है, नो मेकअप है। नो मेकअप मीन्स नो, नो मीन्स नो, यानी कि आपका मेकअप भी रहे और पता भी ना चले कि हमारा मेकअप हुआ है। और कहते हैं सेटल मेकअप, जो सेट हो जाए, आपके स्किन में ऑब्जर्व हो जाए, पता ही ना चले, आपके आंखों को अलग से ना लगे कि आपने मेकअप किया। बहुत लाइट मेकअप कहते हैं, और यह बहुत कठिन होता है। लाइट मेकअप सबसे ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, आपका देखिए कंटूर भी हुआ है, हाइलाइटिंग भी हुआ है, ठीक है। हमने टी जोन पे हाईलाइट किया हुआ है, चिक पे हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद से हमारा जो हाईलाइट कहाँ कहाँ करते हैं, अप एरिया, जो उठा हुआ उभरा हुआ एरिया है, वहाँ वहाँ हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। आँखों को फिर वो नो मेकअप नहीं होता, सेटल मेकअप नहीं होता, वो दिखाई देता। तो वो किया गया है। आईब्रो का बता दिया गया कि किस तरह से करेंगे। तीन स्ट्रोक लेते हैं, ये जो स्टार्टिंग के जो स्ट्रोक होते हैं अप की ओर जाते हैं, और हम वो प्रोडक्ट एक अंगुल छोड़ के यहाँ से यूज करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रश में प्रोडक्ट रहेगा, और यदि हम आगे लगा देंगे तो ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा, जो अननेचुरल लगेगा। उसके बाद यहाँ से लेके 70% तक हम अप जाते हैं, 30% हम डाउन होते हैं, तो हमारा एक अच्छा सा शेप आता है। और जो हमारा फर्स्ट हमारा ऊपर जाएगा, उसके बाद डाउन जाएगा, उसके बाद एकदम से नीचे चला जाता है, तभी हमारा बहुत बढ़िया आता है। आते हैं आई मेकअप पर। आई मेकअप हमारा सबसे पहले क्या किया गया है, पिंक कलर किया गया है। पिंक कलर करने के बाद हमारा कलर करेक्टर तो लगा दिया गया, वो अलग बात है कि कलर करेक्टर हम सबसे पहले लगाएंगे। हमारा बेस CPMT हुआ है, CPMT के बाद क्या हुआ है, कलर करेक्टर हुआ है। कलर करेक्टर किस कलर से किए हैं, हाँ ऑरेंज कलर से किया गया। जनरल जहाँ हमारा स्पॉट होगा हम ऑरेंज कलर से करेंगे, हमारा यदि मुहासा होगा लाल रेडिस होगा तो हम ग्रीन कलर यूज करेंगे। और यदि मेहंदी हुआ है और हमें दूसरे दिन ही हमको ब्राइडल मेकअप करना है, तो हम कौन सा कलर करेक्टर यूज करेंगे, पर्पल कलर करेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। और बहुत गोरी है, कोई दाग नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो हमारा येलोइश करके आता है, जिसको हम पीच कलर कहते हैं, तो वो भी मोस्टली ये चार कलर यूज होते हैं कलर करेक्टर में, तो कर देते हैं। तो आज का कौन सा हुआ कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर। ऑरेंज में भी लाइट आता है, डार्क आता है, हम स्किन टोन और स्किन के कलर के हिसाब से करेंगे, इस बात का ध्यान रखते हैं। उसके बाद आँख बंद करें, तो हमें विंग नहीं लगाना है, और हम जो आईलाइनर करेंगे वो हमारा थिन आईलाइनर होगा, ना कि थिक माने मोटा, ठीक है। थिन आईलाइनर होगा, जो सेट हो जाएगा जाके, बाहर से ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेकअप किया गया है। तो हमारा देखिए, और डेप्थ देने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा डार्क पिंक करेंगे, किस पे, क्रीज लाइन पे, ताकि हमारा डेप्थ सरने का डेप्थ के गहराई, जब हम यहाँ पे थोड़ा डार्क करेंगे तो ये गहरा होगा, और जब ये उभरेगा ना तो आंखें बहुत प्यारी लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी, सुंदर लगेंगी। तो हमारा मेकअप का काम क्या है, सुंदरता को उभारना, खूबसूरती प्रदान करना। तो हम अपने टेक्निक से, मेकअप के टेक्निक से हमको खूबसूरत बनाएंगे, ठीक है। और आप नोज़ पे थोड़ा सा कंटूर किया गया, आप ये देखिए बहुत लाइट किया गया, आपको पता नहीं लग रहा होगा, तो शार्प लग रहा है। और हमारा ये जो कंटूर है,
चूँकि इनके जो है चिक है बहुत प्रॉपर है, प्यारा है, बहुत ज़्यादा पफी नहीं है, बहुत ज़्यादा धसा हुआ नहीं है। तो जब बहुत पफी रहता बहुत ज़्यादा लंबा करना होता तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा करेंगे तो ताकि ये जो है बहुत ज़्यादा, यदि हम ये सी शेप पे कर देते तो क्या होता है ये बहुत ज़्यादा उभर जाता है, या हम यहाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, लोग क्या करते हैं ब्राइडल में बहुत ज़्यादा यहाँ हाईलाइट करते हैं, रोशनी पड़ती है एकदम वहाँ पे वाइट वाइट हो जाता है। तो हमें किस चीज़ का कब और कहाँ और कैसे यूज करना है इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। लोग सस्ता सस्ता अब मेकअप करा देते हैं, पैसे बहुत खर्च कर देंगे, 5,000, 6,000, 4,000 में मेकअप करा देंगे, क्या मेकअप मिलेगा। और लाइट आएगी तो जैसे लगे बकाऊ की तरह से एकदम अजीब सा चेहरा लगता है। तो मेकअप सेटल मेकअप करेंगे दिखाई देगी, ठीक है। तो अब आते हैं लिपस्टिक पर, लिपस्टिक बोन पर सबसे पहले करेंगे, हमको स्माइली फेस देना है, थोड़ा सा ओपन करवा देंगे, इनर साइड में देंगे तो हमारा फैलेगा नहीं, ध्यान देंगे, सबसे कठिन यही होता है फैल जाता है। तो हमें मुंह खुलवा के इनर साइड में हमें देना, तभी हमारा स्माइल फेस लगेगा, स्माइलिंग फेस लगेगा और हमारा फैलेगा नहीं। इनर साइड में आपको लिपस्टिक लगाना, इनर साइड में मुंह खुला के अंदर, तो स्माइल फेस लगेगा, स्माइलिंग फेस कहते हैं इसको, कि स्माइलिंग फेस बनाना है, ठीक है। और फैलेगा नहीं, ज़्यादातर जो अभी नौसिखिया होती हैं या उनकी प्रैक्टिस नहीं होती यहाँ फैला देती हैं। जब भी यदि आप इनर कॉर्नर में आप लगाइए लिप के, तो मुंह फेस माउथ को ओपन कराइए और इनर साइड में पतले ब्रश से लगाइए, तो आपका लिपस्टिक कभी नहीं फैलेगा। और अभी तो दिन का था, सेटल था, नहीं तो एक टोन डार्क आप लगाएंगी, आउटलाइन बनाएंगी ब्रश से, मतलब अंदर से फिल करेंगी एक टोन लाइट कलर फिल करेंगी। और ये भी बताया मैंने, ओठ मोटा रहेगा तो आप थोड़ा डार्क कलर वहाँ यूज करेंगी, और यदि आपको पतला रहेगा, उभारना रहेगा, तो आप वहाँ पे लाइट कलर यूज करोगे, आप हाईलाइटर यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, उसको करके बैलेंस करोगे। और यदि मोटा ओठ रहेगा तो हम इनर लाइन बनाएंगे, यानी लिप के इनर साइड में हम आउटलाइन देंगे, और यदि पतला होगा तो हम आउटसाइड लाइन लिप लाइनर से हम करेंगे। तो हम चीज़ों को, हम कहते हैं ना भ्रम पैदा करना, अपने कला से, मेकअप की कला से हम 3D इफेक्ट देके हम फेस को शार्प बनाएंगे, ओठ को शार्प बनाएंगे, नाक को शार्प बनाएंगे, फेस को शार्प बनाएंगे, तो ये चीज़ हमारा मेकअप से